वन पीस मांगा भाई, इतनी कंसिस्टेंट होते हो भी इतनी ज़बरदस्त कैसे हो सकती है यार। आई मीन अभी कुछ हफ्ते पहले मैंने बोला था कि 1045 अभी तक का बेस्ट चैप्टर है, एंड गेस व्हाट, उसको टक्कर देने आ गया है चैप्टर 1049। एंड इस पे ज्ञान देने लायक इतनी सारी चीज़ें ना मेरे पे कि इस वीडियो को मैं आराम से 10 मिनट तक या फिर 15 मिनट तक खींच सकता है, मे बी मैं खींचूंगा अभी। तो हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, मेरा नाम है लव और तुम देख रहे हो एनिमे लवर। अब मुझे नहीं पता कि मैं क्यों एक ट्यूटोरियल चैनल जैसे सब चीज़ बता रहा, बट इग्नोर दिस एंड लेट मी स्टार्ट गिविंग यू माई ओपिनियन ऑन दिस बेस्ट चैप्टर आफ्टर दिस बेस्ट इंट्रो। लेट्स बी गेम। नाउ देर आर मल्टीपल थिंग्स विच आई लव्ड अबाउट दिस चैप्टर। इन दिस चैप्टर सबसे पहले इसमें दिखाया हुआ काइटो का पास्ट, और भाई इस चैप्टर का क्लाइमैक्स एकदम अनएक्सपेक्टेड। अपने इस चैप्टर में एकदम काट काट के काइडो का पास्ट दिखाया है, मतलब कि इस चैप्टर में ही ना काइडो के पास्ट को 5 बार या फिर उससे भी शायद ज़्यादा बार टाइम स्किप करके दिखाया गया है। काइडो के लाइफ के मेजर इवेंट्स को एकदम ग्रेस करके निकल गई है चैप्टर। ना ही इस चैप्टर से अपने वो काइडो के लाइफ के बारे में एकदम डिटेल में कुछ पता चलता है, ना ही एकदम एहसान किए टाइप्स पास्ट दिखा है अपने को इसमें। इस चैप्टर को रीड करके अपन एक ठीक ठाक कंक्लूजन बना सकते हैं कि काइडो का लाइफ कैसा रहा है अभी तक। वेल, मैं जितना इस पास्ट को रीड करके समझ सकता था काइडो के लाइफ के बारे में, मैं तुमको इतना बताएगा भी। पहला कि काइडो भी एक चाइल्ड प्रोडिजी था, साला 10 साल का था तब वो अपने किंगडम का स्ट्रॉन्गेस्ट था। इतना स्ट्रॉन्ग था काइडो कि उसके उसके किंगडम का राजा ही बेच दिया वर्ल्ड गवर्नमेंट को, ताकि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट उनको परेशान न करे और एक किंगडम के रूप में रिकॉग्नाइज करे। काइडो का पास्ट बिग मॉम जैसा नहीं लगा तुमको? कितना सिमिलैरिटी है यार दोनों के बीच। दोनों चाइल्ड प्रोडिजी थे, दोनों को वर्ल्ड गवर्नमेंट को सौंपा जाने वाला था क्योंकि दोनों टू मच स्ट्रॉन्ग थे, और दोनों फिर रॉक्स ज्वाइन कर लिए और दोनों योंग को भी बन गए। लमाओ, टू मच सिमिलर लाइफ। वेल, लेट्स टॉक अबाउट इट इन मोर डिटेल। चैप्टर में अपने को सबसे पहले 49 ईयर्स ओल्ड पुराना एक इंसिडेंट दिखाया गया है, जिसमें काइडो जो कि अभी 59 ईयर्स का है और उस टाइम वो 10 साल का था, कुछ तबाही करते हुए दिखा और उसको अपने किंगडम का स्ट्रॉन्गेस्ट बोला गया है बाय द ओनीज ऑफ वोडका किंगडम। वोडका नाम के जगह से बिलोंग करता है काइडो, इसलिए शायद इतना दरुआ है साला। इसके बाद 3 साल बाद का, मतलब जब काइडो 13 साल का था, उस टाइम का एक सीन दिखाया गया है जिसमें काइडो को उसके किंगडम वाले वर्ल्ड गवर्नमेंट को बेच रहे थे, मतलब बेचते हुए दिखे इन एक्सचेंज ऑफ अ सीट इन रेवरी। ये जो पूरा सीन था ना, ये वाला पर्टिकुलर, इसको देख के पता चलता है कि काइडो बचपन से ही सेलेस्टियल ड्रैगन्स का जो वर्ल्ड का रूल करने का आइडिया है ना, उसके अगेंस्ट था। वर्ल्ड गवर्नमेंट बचपन से ही काइडो को पसंद नहीं था। वैसे अपने को काइडो के अलावा इस फ्लैशबैक में एक भी ओनी नहीं दिखा है, मतलब लिटरली एक ओनी को भी नहीं दिखाया है ओडा ने, लाइक सीरियसली। ना ही उस ओनी किंग को दिखाया गया है और ना ही किसी नॉर्मल ओनी को। मरीन्स को दिखाया है, एक मरीन को दिखाया है थोड़ा सा काइडो घेर के पकड़े हुए, मतलब काइडो को चेन वेन में बांधे हुए मरीन्स को दिखाया है बस, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इस चैप्टर में अपने को काइडो का फर्स्ट बाउंटी भी पता चला है जो कि 70 मिलियन बेरीज था। अब इधर पे ना मेरे क्वेश्चन उठता है कि काइडो के एक्सचेंज में वोडका किंगडम को रेवरी का सीट मिलता, राइट? लेकिन काइडो तो भाग गया उधर से, तो क्या वोडका किंगडम को रेवरी में जगह मिला? मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। मेरे को क्या लगता है कि काइडो के भागने के बाद ना वोडका किंगडम को जगह नहीं मिला रेवरी में, और वर्ल्ड गवर्नमेंट शायद इस किंगडम पे इन्वेड करके ऑक्यूपाई कर ली। और एक चीज़, सेलेस्टियल ड्रैगन्स को पैसा देने के लिए वोडका किंगडम लूटती थी, और ये लूट के लिए किंगडम वॉर लड़ती थी। तो आई गेस ओनी जो स्पीसीज है ये फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इन पे अपने फिजिकल पावर के अलावा कुछ नहीं है, इन पे दिमाग विमाग ज़्यादा नहीं है, ये बस लड़े रहे, ये एक टाइप की मतलब बारबेरियन से ये। एंड आई लाइक हाउ काइडो मरीन से पकड़ा जाता था जब उसको भूख लगती थी भाई। सैवेज काइडो भाई, टू मच बैडनेस टू हैंडल। इसके बाद अपने को 44 ईयर्स पुराना एक सीन दिखा है जिसमें काइडो रॉक्स वाले आइलैंड, मतलब जिस आइलैंड में रॉक्स बनी थी वो आइलैंड में दिखता है। एंड आई लाइक कि कैसे काइडो सबको हरा दिया उधर एक्सेप्ट वाइट बियर्ड। भाई काइडो के सबके हराने के बाद भी वाइट बियर्ड उसको ब्रैट बोल रहा है यार। टू मच बैडनेस टू हैंडल वाइट बियर्ड के केस में भी। इस टाइम पे काइडो 15 साल का था, और अगर तुमको याद होगा तो चैप्टर 1041 में शायद बिग मॉम काइडो को एक फ्लैशबैक दिखा था जिसमें बिग मॉम काइडो को बोल रही थी कि तू तो 15 साल में ही रॉक्स ज्वाइन कर लिया ऐसा वैसा। उधर से मेरे को पता चला था कि जब काइडो 15 साल का था तब वो रॉक्स ज्वाइन किया था, मतलब कि वाइट बियर्ड के बोलने के बाद इधर जब वाइट बियर्ड ने बोला कि रॉक्स तेरे से मिलना चाहता है, काइडो तुरंत रॉक्स पायरेट्स ज्वाइन कर लिया। इसके बाद 6 साल बाद का एक सीन दिखाया है, मतलब 38 साल पुराना, जिसमें बिग मॉम बोलती है कि चल काइडो गॉड वैली जा रहे अपन।
काइडो उस टाइम 21 साल का था। एंड फिर एक आफ्टर बैटल का सीन दिखा है जिसमें लोग रिएक्ट करते हुए दिखे ऑन रॉक्स डिफीट। एक चीज़ इधर से जो पता चलता है वो ये है कि गार्प जो था ना वो गॉड वाले इंसिडेंट से पहले बिल्कुल फेमस नहीं था, मतलब बिल्कुल भी नहीं। एंड बिग मॉम के चीखने चिल्लाने को देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि काइडो गॉड वैली इंसिडेंट के बाद अपने खुद के जर्नी टाइप्स में निकल गया। यार ये जो चीज़ है ना ये थोड़ा बिट्रेइंग टाइप का चीज़ हो गया बिग मॉम के लिए, क्योंकि बिग मॉम ने जो है भाई काइडो की जान बचाई थी जैसे उसने बोला था गॉड वैली इंसिडेंट के लास्ट में, मतलब बिग मॉम ने जो है काइडो को ओनोमी देख के जान बचाया और काइडो भाग गया उसको छोड़ के। इसलिए शायद बिग मॉम थोड़ी पिस्ड ऑफ रहती थी हमेशा काइडो से और इसलिए शायद वो डेकेड से काइडो से मिली नहीं थी। इसके बाद सीधा 10 साल बाद का सीन दिखा है जिसमें काइडो 31 साल का है और इसमें काइडो को वो बैरियर फ्रूट वाली बुड्ढी जो ओरोची को उसका फ्रूट दी थी वो कुछ ज्ञान देती हुई दिखी है। काइडो विल स्मिथ जैसा दिख रहा है, फॉर्चुनेटली यामाटो जेडन स्मिथ जैसे नहीं दिखती भाई पीछे। बेसिकली ये जो बुड्ढी है ना ये और काइडो मिलके एक वॉर करना डिसाइड किए थे। अब बुड्ढी तो कट गई बाद में लेकिन अपने काइडो चीचा फिर भी वॉर का प्लान करने में लगे रहे। अब ये चीज़ से अपने को एक और बहुत अच्छे से पता चल गया है और वो ये है कि काइडो को जॉयवे के बारे में कैसे पता चला। एंड इसका आंसर इतना सिंपल है ना, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना सिंपल होगा। मैंने सोचा था कि काइडो का कुछ स्पीसीज का कनेक्शन होगा जॉयवे के साथ, बट जॉयवे का नाम काइडो ने यामाटो से सुना भी। एंड एक चीज़ और, काइडो का लाइन जो उसने किंग को बोला कि अगर तू जिस आदमी का वेट कर रहा है वो जॉयबॉय है तो मुझे पता है कि वो कौन है, टेल्स अस कि किंग खुद किसी का वेट कर रहा था या है और काइडो इसी रीज़न से शायद खुद को जॉयबॉय समझा था, बट बॉय काइडो गलत था। क्या इसका मतलब ये कि जॉयबॉय का कनेक्शन लूनेरियन से भी है? मे बी ऐसा कुछ हो सकता है शायद, बट ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो। इस चीज़ पे ना मैं अपनी जॉयबॉय थ्योरी पे थोड़ा बात करेगा, मेरे को एक नया चीज़ मिल गया उस इस चीज़ को मैं ऐड करेगा उस थ्योरी में। इन सारे जो फ्लैशबैक्स के जो कट कट के जो दिखे हैं इसके अलावा एक और फ्लैशबैक बस दिखा है अपने को जिसमें वो बोलते हैं कि जॉयबॉय वो होगा जो मेरे को हराएगा। एंड आई एम श्योर काइडो इसी रीज़न से अभी तक वानो में रह रहा है। नाउ यू गॉट इट राइट कि क्यों काइडो ने बोला था कि वानो स्पेशल है। वैसे उस लाइन के रिस्पांस में किंग का लाइन भाई वो बहुत अच्छा लाइन था, कॉन्फिडेंस एट इट्स पीक भाई, मस्त लाइन था वो। इसके अलावा चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हुई है जैसे कि वो एक CP0 का मेंबर ओनिगाशिमा से भाग गया, वो नहीं जिसको काइडो ने भर दिया था, दूसरा वाला मून वॉक कर करके वो भाग गया और काइडो के फ्लेम क्लाउड्स डिसअपियर हुए हैं जिसके रिस्पॉन्स में मोमो ने अपने फ्लेम क्लाउड्स बनाए हैं, जिससे मेरे को थोड़ा दिक्कत है क्योंकि अभी तक मोमो घंटा फ्लेम क्लाउड बना नहीं पा रहा था बट अब बना पा रहा है। इट्स लाइक टट्टी भाई, मतलब ये मोमो के लिए टट्टी जैसा है भाई, थोड़ा ताकत लगा और फच्च लेट्स नॉट बी मोर वल्गर। लेकिन जो इस चैप्टर का सबसे सरप्राइजिंग पार्ट लगा ना मेरे को, जो कि आई गेस मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो था क्लाइमैक्स इस चैप्टर का। मैंने नहीं सोचा था कि काइडो लूफी का फाइट फ्लावर कैपिटल तक चले जाएगा, मेरे को लगा था कि ओनिगाशिमा में ये खत्म होगा, बट बॉय फ्लावर कैपिटल हाँ, अगर इससे कैजुअलिटीज बढ़ती है तो अच्छी बात है बट इससे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी हो रहा है मेरे को क्योंकि अब ओनिगाशिमा में लिटरली कोई नहीं है जो अकाजा या फिर किसी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को मारेगा, लाइक सब मेन थ्रेट तो गए ना, कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एंड में नहीं मरा तो मेरा मन खट्टा हो जाएगा सच्ची बता रहा। लेकिन अब ओनिगाशिमा में कोई है नहीं तो आई गेस कोई नहीं मरेगा, लेकिन क्योंकि अब ये फाइट फ्लावर कैपिटल में होगा तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ी कैजुअलिटीज तो दिखनी चाहिए अपने को। एंड अबाउट लास्ट पैनल, लास्ट पैनल में अपन देख सकते हैं कि भाई ऐसे एक पड़ा हुआ है ड्रैगन, अजीब सा बेहोश टाइप का ये काइडो है। आई डोंट थिंक सो, मेरे को जहाँ तक लग रहा है ये मोमो है, ठीक है, क्योंकि इसका डिज़ाइन वैसे ही लग रहा है, ये मोमो ही है। एंड आई एम श्योर काइडो भी नहीं हारेगा, अवेकनिंग बाकी है भाई उसकी, उसको हमको देखना है अवेकनिंग भाई, उसने बात किया था वो करेगा देखना। वैसे तुमने एक चीज़ देखा, लूफी ने जो पंच मार के काइडो को फ्लावर कैपिटल में मार गिराया ना, उस चीज़ से काइडो का एक हॉर्न टूट गया, रेड से पता चला मेरे को। वेल आई स्टिल होप कि इस अटैक से काइडो हारा ना हो, यहाँ पे तुम मत बोलना भाई वो अभी तक वो विनर लूफी वाला चीज़ नहीं आया है। हाँ पता है भाई, लेकिन सांजी वर्सेस जो क्वीन का फाइट था उसमें भी यही हुआ था, नेक्स्ट चैप्टर में दिखाया था, लेकिन समझे एक चैप्टर पहले ही हार गया था क्वीन, लेकिन फिर अगले चैप्टर के फर्स्ट पेज में या अर्ली चैप्टर में ही वो दिखाया था विनर वाला, तो ऐसा हो सकता है लेकिन आई होप नहीं हो ऐसा, ठीक है, वो हगा हरकत नहीं होना चाहिए इसके साथ। नेक्स्ट वीक ब्रेक है और ये ब्रेक लंबा होने वाला है मेरे को रॉक्स और काइडो के बारे में और जानना है भाई। इस चैप्टर में मेरे को एक तो काइडो का अमाउंट ऑफ पास्ट अच्छा लगा,
प्लस जितना भी गॉड वैली इंसिडेंट का दिखा ना अपने को, उसमें से 1% भी मेरे लेटेस्ट थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। तो ये तो मेरे लिए बहुत सेक्सी बात हो गई भाई, मैं बहुत टाइम बाद सेक्सी बोल रहा हूँ। एंड लास्ट पंच लूफी का गूज़बम्प्स वाला था भाई, सीरियसली मुझे गूज़बम्प्स आया भाई। एंड लूफी जो काइडो को बोला ना लास्ट में कि मेरे को ऐसा दुनिया बनाना है जहाँ पे मेरे दोस्त भूख से ना मरे, ऐसा वैसा, मेरे को लगता है कि नाउ इज़ द टाइम काइडो विल बी कम्प्लीटली श्योर दैट लूफी इज़ द जॉय बॉय ही वॉज वेटिंग फॉर। एंड या इसी के साथ ये वीडियो होता है खत्म। मेरा पूरा ओपिनियन भाई, ये चैप्टर बहुत मस्त है यार, सीरियसली बहुत सेक्सी था चैप्टर। मैं इसे रेट नहीं करता, बट फॉर मी दिस वॉज 10/10 चैप्टर, ठीक है। आर्ट स्टाइल भी अच्छा था इस चैप्टर में, और स्पेशली वो वाला जो सीन जिसमें वो पंच किया लूफी ने, वो उस जिस तरीके से वो फ्लावर कैप्टर में छिपटाया ना भाई काइडो, मस्त। इसके अलावा स्टोरी भी अच्छी प्रोग्रेस हुई है, पास्ट दिखा अपने को काइडो का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था एंड बहुत टाइम से मुझे देखना था। प्लस वापस से एक चीज़ आ गया है कि भाई अब काइडो अवेकनिंग करेगा, ये वाली चीज़ के चांसेस और बढ़े हैं इस चैप्टर से। तो या दिस वाज ओवरऑल वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर इफ नॉट बेस्ट, एंड मुझे तो ये बहुत सेक्सी लगा। एंड इसके साथ ये वीडियो होता है खत्म, मेरा ओपिनियन खत्म। कमेंट योर फेवरेट सीन फ्रॉम दिस चैप्टर। मेरा लूफी को पंच वाला मस्त सीन था, मतलब लूफी ने जो पंच किया वो बोला सेक्सी। और अब नेक्स्ट वीडियो मस्त सुनने मिलेगी, तो बाय बाय।